ये कहानी दो दोस्तों के बीच की कहानी है। अमित और सूरज जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों ने साथ में पढ़ाई की और दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करने लगे। उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की जो वाटर कूलर बेचती थी। दोनों ने नौकरी करने के बाद बहुत मेहनत की और हमेशा यही कोशिश की कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और उन्हें तरक्की मिलती रहे। जॉब के एक साल बाद सूरज को प्रमोशन मिल गई, लेकिन अमित अभी भी उसी पोजीशन पर था। अब अमित के दिल में जेलसी आने लगी और उसने इस नौकरी को इस्तीफा देने का सोच लिया। अगले ही दिन अमित अपने बॉस के पास इस्तीफा लेकर जाता है। बॉस उसे नौकरी छोड़ने का कारण पूछते हैं तो अमित कहता है, मैंने और सूरज ने एक साथ ये नौकरी ज्वाइन की थी। हम दोनों ने एक जैसी मेहनत की, लेकिन आपने प्रमोशन सूरज को दिया लेकिन मुझे नहीं। अमित ने गुस्से में यह भी कह दिया कि आप प्रमोशन सिर्फ उसे देते हैं जो आपकी चमचागिरी करता है। बॉस शांति से अमित की बात सुनते रहे। बॉस को पता था कि अमित ने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन वो अमित को फ़र्क समझाना चाहते थे कि क्यों उन्होंने सूरज को प्रमोशन दी और उसे नहीं। बॉस ने अमित को कहा कि मैं तुम्हें सूरज से भी अच्छी पोजीशन दे दूंगा और सैलरी भी बढ़ा दूंगा अगर तुम मेरा एक आखिरी काम कर दो। अमित तैयार हो गया क्योंकि उसे हर कीमत पर प्रमोशन चाहिए थी। बॉस ने अमित को कहा कि जाओ और देखो कि मार्केट में कोई आम बेच रहा है या नहीं। अमित कुछ देर बाद आया और बॉस को कहा कि हाँ, मार्केट में एक आदमी आम बेच रहा है। बॉस ने कहा, कितने रुपए किलो आम बेच रहा है? वो फिर मार्केट गया और आकर बॉस को कहा कि मार्केट में वो 50 रुपए किलो आम बेच रहा है। अब बॉस ने सूरज को भी बुलाया और सूरज को वही प्रश्न पूछा जो अमित को पूछा था। सूरज मार्केट गया और कुछ देर बाद आया और बॉस को कहा कि मार्केट में सिर्फ एक आदमी आम बेच रहा है, वो 50 रुपए किलो आम बेच रहा है, लेकिन अगर हम उससे 10 किलो आम लेते हैं तो वो 40 रुपए किलो बेच देगा। उसके पास करीब 60 किलो आम है। अगर हम ये 60 किलो आम उससे 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लें और मार्केट में 50 रुपए किलो के हिसाब से बेच दें तो हमें काफ़ी मुनाफा हो सकता है। अमित सूरज की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसे अपने और सूरज के काम करने का तरीके का फर्क पता चल गया। अमित ने फैसला किया कि अब वो रिज़ाइन नहीं करेगा बल्कि सूरज से और भी ज़्यादा सीखेगा। तो दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप सफलता चाहते हैं तो चीज़ों को नए नज़रिए से देखिए, समझिए और गहराई से सोचिए। आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने हमेशा आगे की यानी फ्यूचर की सोचकर काम किया है, ना कि कल का सोचकर। अपनी सोच को बड़ा करें, आप बहुत जल्द सफलता की ऊंचाइयां हासिल कर लेंगे।